सबसे पहले हम जाएंगे, आज जो हम सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं गूगल फॉर्म पर एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट कैसे बना सकते हैं और इस तरह का टेस्ट किस तरह बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप google.com पे जाएंगे, फिर जीमेल की आईडी से लॉगिन होने के बाद फिर वहाँ से लिखेंगे आप गूगल फॉर्म्स, और गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद यहाँ से गूगल फॉर्म्स पे करेंगे साइन अप। अच्छा, इसमें इंटरनेट इतना हाई नहीं चाहिए, इसमें 1-2 MB इस्तेमाल बड़ी मुश्किल से होते हैं ये टेस्ट वगैरह बनाने में। तो टेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म के ऊपर। जैसे ही आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म बनेगा। अब आप जो टेस्ट बनाने जा रहे हो उसका नाम रख लें, जैसे हम एक टेस्ट बना रहे हैं इसके हवाले से बना रहे हैं MCQ टेस्ट। सब्जेक्ट कौन सा रखें, कंप्यूटर रख लें या टर्बो सी का बना लें। ठीक है, टर्बो सी का तो बनाया था ना हमने, वर्ड से बना MS Word MCQs Test, ये हमारी जो टेस्ट वाली फाइल है उसका नाम बन गया। अब टेस्ट का नाम भी उधर ही ऑटोमेटिकली आ गया, तो हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MCQs Test। ठीक है, अच्छा इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। जैसे हम क्या क्या लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, हम ये लिख सकते हैं प्लीज फिल दिस फॉर्म केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करना है या वॉट एवर जो भी चीज़ करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसको भी अगर थोड़ा सेलेक्ट करके बोल्ड करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमसीक्यू टेस्ट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्वेश्चन को भी हम कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट आंसर के अंदर। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, टाइम है, डेट है, ठीक है, बॉक्स है। जैसे अगर डेट का ऑप्शन नहीं है तो फिर यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ले रहे हैं शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में हमने सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर उससे कहेंगे कि अपना नाम डालो, तो हम कह रहे हैं एंटर या टाइप योर फुल नेम। ठीक है, टाइप योर फुल नेम, तो वो अपना फुल नेम यहाँ रखेगा। अब किसी फील्ड को ऐसा भी होता है कि आप ऐसे भी छोड़ देते हैं कि खाली छोड़ दे, तो खाली ना छोड़े इसलिए हम इसका रिक्वायर्ड जो है वो इसको यस कर देंगे। अगर रिक्वायर्ड को ऑफ रखेंगे तो फिर अगर खाली छोड़ेगा तो वो खाली चली जाएगी फिर, लेकिन हमें खाली कोई फील्ड नहीं छोड़ने की, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको भी हमने ऑन कर दिया। अब हमें अगला ऑप्शन कैसे किया, इसे टाइप पे क्लिक किया तो एक और डुप्लीकेट आ गया इसका कॉपी। ठीक है, तो हमने कहा भाई अब जो अपना फादर्स नेम लिखेगा, टाइप योर फादर्स नेम। ठीक है, ये लिख दिया हमने, फिर उसका एक और डुप्लीकेट ले लिए, फिर हमने कहा उसके बाद क्या था, सीट नंबर, सीट नंबर टाइप योर सीट नंबर या रोल नंबर, वॉट एवर जो भी होता है। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं डुप्लीकेट। और क्या होता है, टाइप सीट नंबर रोल नंबर, टाइप योर कोर्स नेम, टाइप योर कोर्स नेम। ठीक है, ये क्लास नेम या क्लास नेम कर लेते हैं, कोर्स नेम क्लास नेम जो भी है वो आप यहाँ से ले लेते हैं। तो जैसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आप इसमें ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ देखने को मिल रही है, एड क्वेश्चन, इम्पोर्ट क्वेश्चन और ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आ रहा है ऐड इमेज, और यहाँ पे ऐड वीडियो, और यहाँ पे आ रहा है ऐड सेक्शन। तो अब यहाँ पे हम एक ऐड सेक्शन डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन टू आ गया। अब ये सेक्शन वन हो गया और ये सेक्शन टू आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन वन अगर सेक्शन पर डिवाइड कर रहे हैं तो भाई वन सेक्शन ये था जिसमें ये इन्फॉर्मेशन सब गई थी, अब ये सेक्शन टू आ गया। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स, कैरिंग इक्वल मार्क्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लिक करके सेक्शन का टाइटल आ रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या हम लिखेंगे, ऐड क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो गया। अब क्वेश्चन लिखे हमारे पास चेकबॉक्स पर भी आ सकता है, ड्रॉप डाउन पर भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने से पहले हमें क्वेश्चन टाइप करना है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में, तो यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए डैश। अब ये डैश हमने खाली छोड़ दिया, इसके ऑप्शन ऐड करा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप बता रहे हैं मिसाल के तौर पर भाई ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई ये एक हार्डवेयर, ठीक है, ये ऑप्शन वन हो गया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बताया थे क्लिक करके, जो है आपने कहा कि ये हार्डवेयर है, दूसरा उसने कहा ये सॉफ्टवेयर है,
तीसरा और रिलेवेंट कर लिया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चौथा उसको कह दिया ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जितने आपने चॉइसेज ऐड करानी है, दो या चार जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तीन भी लिख सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, सेकेंड वाला नहीं है थर्ड वाला, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो अब इसके करेक्ट आंसर के लिए देखिए हमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आके यहाँ पे देखेंगे मेक दिस क्विज, हम कहेंगे असाइन पॉइंट वैल्यू सेट आंसर्स एंड ऑटोमेटिकली पॉइंट फीडबैक, यस कर दिया। इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन कह रहा है रिलीज मार्क्स, स्टूडेंट जैसे ही टेस्ट कम्प्लीट करे तो उसका जो रिजल्ट है उसी वक्त बता दे, या बाद में मैं खुद बना के दूँ, मतलब जो जिसने टेस्ट बनाया वो बाद में बना के दे या ये खुद ही बना दे। तो हमने कहा इमीडिएटली बना दे। मिस क्वेश्चन रिस्पॉन्स कैन सी विच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली, और उसको वो भी बताए कि कौन से आंसर का क्वेश्चन का आंसर उसने गलत दिया है। अगर ये मैं ऑफ कर दूंगा तो फिर वो बताएगा नहीं आपको, फिर करेक्ट आंसर बताए आपको, ठीक है। फिर पॉइंट और वैल्यूज के बारे में बताए, फिर कह रहा है कि हर सवाल के कितने नंबर रखे आपने। तो हमने कहा अगर जैसे हमने कहा हर सवाल हमारा दो नंबर का है, तो जितने क्वेश्चन एड कराएंगे सारे दो नंबर के, फिर किसी को अगर 20 नंबर का करना है तो हमें खुद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा हर सवाल मेरा 10 नंबर का है सपोज, ठीक है। रिस्पॉन्सेज में आ जाए कि भाई अगर जो ईमेल टेस्ट करे सबमिट तो उसके साथ क्या करें। अच्छा ये रिस्पॉन्सेज को बाद में पढ़ते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए, ये आपने सेटिंग कर लिया। अब दोबारा आ गए क्वेश्चन के ऊपर, अब जैसे क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे इस सवाल के आपको आंसर भी बताना है, तो यहाँ पे आंसर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो आंसर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, आंसर की पे क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट लिखा रहे हैं 10, अगर से आपको इस क्वेश्चन के 10 ही पॉइंट देने हैं तो 10 लिखा हुआ है, अगर आपको बढ़ाने तो यहाँ पे वो पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर देंगे डन। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और पढ़ रहे होंगे आप आंसर देते वक्त, ये आंसर चूज किया 18। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये इनकरेक्ट क्यों है और करेक्ट किस वजह से है, उसका फीड मतलब उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल दें, समझा दें उसको, तो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जनरल टाइप, अगर समझाना है देयर सो सॉफ्टवेयर जनरल टाइप करेक्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिलेवेंट टाइप, ठीक है, तो इसलिए हमने फीडबैक भी डाल दिया, ओके। अब यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, डन कर दें इसका, यहाँ से डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट करके नीचे आ जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, तो भी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, अगला सवाल आप यहाँ पे बना लें। जैसे सवाल क्या बनाना, अच्छा सवाल की तस्वीर के तौर पर भी लगा सकते हैं, अगर कोई तस्वीर है तो वो भी आप शो कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पे देखो मेरे पास उसमें कुछ लोगो है, ओके यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ब्राउज किया। अच्छा तस्वीर कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अपने वेब कैमरे से ले सकते हैं, अगर आपके लैपटॉप में मोबाइल में वेब कैमरा है तो देखिए मेरा फोटो आ गया इसके अंदर। बाय यूआरएल, जैसे मैंने बताया गूगल पे सर्च करें तस्वीर कॉपी करके यूआरएल यहाँ डाल दें। फोटोज, हमारे कुछ फोटोज पहले से इसके अंदर मौजूद है तो वो ले सकते हैं, मेरे पर्सनल फोटोज होंगे वो आ जाएंगे। गूगल ड्राइव पे ले सकते हैं, यहाँ पर से गूगल ड्राइव पे अगर कुछ डेटा है मेरा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से गूगल इमेजेस पे भी सर्च कर सकते हैं, यहीं से सर्च कर लें डायरेक्टली। तो मैं कह रहा हूँ अपलोड कर लेते, मेरे पास फोटो रखा हुआ है तो अपने कंप्यूटर से ले लेते, यहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स पे गए और यहाँ से क्लिक करके मैं लेटेस्ट के फोल्डर में चला गया, और लेटेस्ट के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से मैंने एक ये लोगो ले लिया, ठीक है ना, और ये फोटो यहाँ लिया। अब मेरा सवाल इस फोटो से रिलेटेड है, ठीक है, अब सवाल कैसे लिखेंगे, फोटो से रिलेटेड है तो ये मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, कौन से सॉफ्टवेयर का लोगो नीचे दिया गया है। अब हमें उसके सॉफ्टवेयर के नाम बताने कि भाई सपोज टू बी एप्पल, iOS, ठीक है, एंड्रॉइड, ठीक है, विंडोज और जावा, ठीक है। आंसर की पे क्लिक किया और आंसर की पे सही आंसर इसका क्या है, विंडोज। अब इसमें मुझे ये डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, तो विंडोज का चेक लगाया इसको, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को मैंने रिमूव कर दिया और इस सवाल के भी 10 नंबर रखे। तो ये भी एक सवाल के तौर पे आप दिखा सकते हैं कि ऐसा सवाल भी आप बना के दिखा सकते हैं कि ये इस तरह का ऑप्शन।
which software logo is given below, किस software का logo नीचे दिया गया है, तो उस पर से user select करेगा, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं, इसे duplicate और duplicate को use किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके अगला multiple choice है हमारे पास। अच्छा, तो check boxes के सवाल भी ले सकते हैं, check boxes में आप multiple choose कर सकते हैं, ठीक है ना, इस पर भी check लगा देते हैं। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अब इसको हमें ये पिक्चर नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। अब सवाल है, सपोज टू बी चूज द अलाइनमेंट कमांड, चूज अलाइनमेंट कमांड गिवन बिलो, ठीक है। अब उसको ये कह रहा है कि चूज करें या पिक द अलाइनमेंट कमांड गिवन बिलो, ठीक है। अब इसमें हमने कमांड के बारे में लिखा भाई, अलाइनमेंट की कौन कौन सी है, मैंने इसमें लिख दी सपोज टू बी जस्टिफाई, और फिर एक ले लिया हमने सेंटर, और फिर एक यहाँ पे ले लिया हमने बोल्ड, फिर एक ले लिया हमने इटैलिक, और यहाँ पे हमने दे दिया बोल्ड, यहाँ पे आ गया तीसरे सवाल के ऊपर, पिक द अलाइनमेंट कमांड गिवन बिलो, जस्टिफाई एंड्रॉइड, जस्टिफाई के बाद हमने लिया लेफ्ट, उसके बाद हमने लिया बोल्ड, उसके बाद हमने लिया राइट, उसके बाद हमने लिया इटैलिक, ठीक है। चार पांच ऑप्शन ले लिया, टिक करके हमने आंसर की भी चेक किया। अब आंसर की एक नहीं है इसकी, इसकी दो तीन है, तो लेफ्ट जस्टिफाई और राइट ये तीनों कमांड उसकी है, तो हमने तीनों पे चेक लगाया था, तो 10 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज उसको 10 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए मल्टीपल चेक भी हम इसके पास करके बता सकते हैं, मतलब समझा रहा हूँ, तो इस तरह भी हम आंसर ले सकते हैं। अब क्लिक किया हमने यहाँ से डुप्लीकेट, अब अगला ऑप्शन है, मतलब हम सारे नहीं यूज करते, मैंने तो सारे इसके बना दिए थे ऑप्शन वाले, क्योंकि हमारे होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह का सवाल कैसे बनेगा। अब ये आइए ड्रॉप डाउन, अब ड्रॉप डाउन में क्या होगा कि हमें यहाँ पे इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन में ये होगा कि आपको उसमें से चूज करना होगा, ठीक है। अब कैसे चूज करते हैं ये देखना इसमें से, ये इसमें एक ऑप्शन देखते हैं। ड्रॉप डाउन में ऐसा होता है कि हमने जैसे एक सवाल दिया, सपोज टू बी चूज द राइट वे टू सेव फाइल, ठीक है। अब हमने इसमें लिखा क्लिक फाइल मेन्यू एंड देन सेव ए, ठीक है। दूसरा लिखा क्लिक फाइल मेन्यू एंड क्लिक सेव नाउ, बटन क्लिक फाइल मेन्यू, हाँ सही चल रहा है, हाँ ठीक है, क्लिक द फाइल मेन्यू एंड प्रेस सेव बटन, ठीक है। तीन ऑप्शन हमने इसका रखे और इसका आंसर की पे सेट कर दिया हमने, क्लिक फाइल मेन्यू एंड प्रेस सेव बटन, ये इसका आंसर है और डन कर दिया। तो इस तरह से आप जो है ना सवालात इसके अंदर ऐड कराते जाएंगे और ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों मेरे ड्रॉप डाउन वाले और ये मल्टीपल चॉइस और चेकबॉक्स सारे ऑप्शन समझा दिए, ठीक है। बाकी तो इसमें टिक बॉक्स के भी हैं, लेकिन उसको बाद में समझेंगे, इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। अब आखिर में अब आपने क्या करना है, इसकी मजीद जैसे क्वेश्चन आपने बना लिए, सवाल हो गए सारे, तो आप जाएंगे आप सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आके यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करेंगे, रिस्पॉन्सेज में आ गए थे। अभी कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी ये टेस्ट दे उसका ईमेल भी आपको बताए कलेक्ट करके, तो यहाँ से आप वेरीफाइड पे चेक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं उसका ईमेल आपको नहीं बताए तो डू नॉट कलेक्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब ट्रैफिक टेस्ट देगा, ट्रैफिक खोलेगा तो इसका जीमेल का आईडी मेरे को बताएगा क्या इसका आईडी है, ये आप कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सेंड कॉपी टू देयर, अच्छा अगर आप उनका ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं तो एक कॉपी उनके ईमेल पर भी भेज दें टेस्ट की,
भाई ईमेल कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे ही उसने सबमिट किया टेस्ट, ईमेल एड्रेस मेरे पास आया और टेस्ट रिजल्ट की कॉपी उसके ईमेल पे चली गई। इसलिए हम कलेक्ट कर सकते हैं, आसान हो गया ना। देखो इधर बच्चे ने टेस्ट सबमिट किया, इधर उसके ईमेल पे या उसके अब्बू के ईमेल पे जिसके भी मोबाइल से वो दे रहा है उस पर वो रिपोर्ट चली गई और उस पर वो पढ़ सकता है, ठीक है। अगर नहीं कलेक्ट करेंगे तो फिर वो ये वाला ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएगा। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अच्छा अगर मैंने इसको एडिटिंग अलाउ कर दी तो फिर वो टेस्ट के दौरान एडिट भी कर सकेगा, समझे मेरी बात, टेस्ट के दौरान एडिट भी कर सकेगा, क्वेश्चंस को आंसर को एडिट कर सकेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑफ ऑफ कर दूंगा तो वो एडिट नहीं कर सकेगा। अच्छा लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो एक जीमेल की आईडी पर एक ही दफ़ा टेस्ट दे सकेगा, दूसरी दफ़ा ऑन करेगा तो देखेगा आपने पहले से टेस्ट दे दिया। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो जितनी बार एक दफ़ा कलेक्ट करे, दूसरी अटेम्प्ट करे, तीसरी अटेम्प्ट करे, जितनी बार देना चाहे वो दे सकता है। तो यहाँ पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा डिफॉल्ट फॉर्म्स, डिफॉल्ट में क्या आएगा लिखा हुआ, नीचे आ जाए कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट डू नॉट कलेक्ट, अभी हमने ऊपर बना कर दिया तो ये डू नॉट कलेक्ट करेगा। क्वेश्चंस डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, बाय क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, हाँ क्वेश्चंस सारे के सारे अटेम्प्ट करने और डिफॉल्ट पर होंगे, ये सारी सेटिंग हमने यहाँ से इस तरह से करनी है। फिर आ जाए रिस्पॉन्सेज के ऊपर, अब रिस्पॉन्स को क्या करना है कि भाई जैसे जैसे ये टेस्ट आता जाएगा तो ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आते जाएंगे और हम इनके रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर से लेते रहेंगे, ठीक है। और अब हमने एक बना लिया, अब इस टेस्ट की लिंक कैसे जनरेट करवाएंगे, देखो इसका लिंक जनरेट कराने का तरीका ये, यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे और सेंड पे क्लिक करके हम यहाँ से चले जाएंगे इसके लिंक पर। अगर लिंक बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको शॉर्टर कर दें, यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट लिंक बन जाएगा और इसको यहाँ से क्या करेंगे कॉपी, और कॉपी करके हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये टेस्ट फॉर्म हमारे पास सेव हो चुका है ड्राइव के ऊपर, वहीं पर यहाँ पे नजर आएगा ये हमारा यहाँ पे जो हम शुरू में आए थे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे लिंक को सेंड करते हैं, चले ठीक है।